रिकॉर्डिंग इंस्टॉलेशन पे गए, देन उसके बाद वो आपसे पूछ रहा बेसिक इंस्टॉलेशन कैसे करना चाहोगे, एनपीएम या एनपीएम, हमें तो एनपीएम बता यार, कुछ भी बताओ। तो एनपीएम खोल लिया और यहाँ से कॉपी कर लिया ये जो भी लिखा हुआ था, ठीक है। और इसको इंपोर्ट कर लिया। अब आपको क्या करना, पूरी एप्लीकेशन को रैप करना है किसके साथ, ब्राउजर राउटर। एप्लीकेशन कहां से चल रही है, चल रही है ठीक है। तो यहाँ पे वही वो जो आप लिखा उसके नाम का कंपोनेंट, और उसके अंदर क्या करना, आई समझ। तो मैंने क्या कर दिया, ब्राउजर राउटर के अंदर पूरी एप्लीकेशन को रैप, ठीक है। ठीक है जी, देन उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो बोल रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है कि आप अपने SRC के अंदर ऐप डॉट जेएस के अंदर आ जाओ और इंपोर्ट करो क्या, राउट्स और राउट लिंक को छोड़ देते थोड़ी देर के लिए, एक बार कहां से रिएक्ट राउटर डॉम से, और उसके बाद राउट्स के अंदर क्या बनाओ अपने राउट। लेकिन ये आपकी आपकी कॉम्प्लिकेशन लेवल को ज्यादा बढ़ाएंगे, इसलिए मैं जो अप्रोच फॉलो करता हूँ वो बेसिकली फॉलो करता हूँ राउटिंग की। मैं क्या करता हूँ हमेशा SRC के अंदर एक फाइल बनाता हूँ राउटिंग, ठीक है। अब आपको क्या करना, जो उसने बता रखा डॉक्यूमेंटेशन में करना वही है, रिएक्ट राउटर डॉम से क्या चीज करनी है, राउट्स और ठीक है। और यहां पे जाओ अपने बाद राउट्स, और राउट्स के अंदर क्या होगा, राउट के अंदर क्या होगा, हमारे स्पेसिफिकली राउट होंगे। अब राउट के अंदर जाओ पाथ, किस पाथ का आपका राउट है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था लोकल होस्ट करे, जब ये चीज खुले तो मैं चाहता हूँ होम वाला लोड, ये चीज करूँ अबाउट वाला लोड हो, यानी अबाउट कंपोनेंट। तो यहाँ पे हमेशा क्या करोगे, MPT की जगह स्लैश, ठीक है। अब इसके बाद जाओ स्पेस एलिमेंट, और एलिमेंट के अंदर अपना वो कंपोनेंट कॉल कर लो जो आपको यहाँ पे लोड कराना है, लेकिन मेक श्योर आपका कंपोनेंट होना चाहिए इंपोर्ट,
बना नहीं चलेगा। आया क्या आउट बनाना समझ? हाँ जी वो आया। अब ऐसे क्या करें, बाकी सब लोग अब यहाँ पे स्लैश लगा रहे हैं डायरेक्ट के, वो एक तो वो अपने आप भेज देगा वापस, और एक क्या था यूजर्स। तो अबाउट में कौन सा कंपोनेंट लोड करवाना है, जो करवाना है उसके नाम लिख दो तो। अबाउट वाला सब चीजें इंपोर्ट होनी चाहिए, और यूजर्स पे कौन सा। हाँ जी अब बात बताता हूँ सबको, कुर्बानी रहती है क्या, ठीक है भाई। यानी कि वर्जन 5 में अब कंपनी में लगोगे पुराने प्रोजेक्ट पे काम होता हो, मिलेगा तो वर्जन 5 ही मिलेगा, 6 तो मिलेगा ना। तो वहां पे क्या होता था पहले, जो ये राउट से इसको स्विच लिखते थे, ठीक है स्विच, देन राउट वहां पे भी था यहाँ पे भी है, पाथ वहां पे भी था यहाँ पे भी है। यहाँ पे क्या होता था उस टाइम पे, कंपोनेंट होता हाँ था। हाँ जो यहाँ पे आज एलिमेंट है वहां पे कंपोनेंट होता था, और तरीका ये नहीं होता था डायरेक्टली, बस हम क्या करते थे कंपोनेंट का नाम लिख देते थे, यानी कि फंक्शन जैसे कॉल करते बस वो लिख देते थे। लेकिन अब क्या करना पड़ता है, कंपोनेंट को कॉल करने का तरीका लिखना पड़ता है, यानी कि कुछ ऐसा होता था, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ सबको, तो ऐसा होता ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाता था, कंपोनेंट बस इतना फर्क था 5 और 6 में। ब्राउजर राउटर भी ब्राउजर राउटर ही था वहां पे, बट हम क्या करते थे कई बार इसको एक नया नाम देने के लिए इसके बाद एड करा देते थे और इसको राउटर भी ये कर। अब तो ये राउटर से यूज कर सकते हो, जब वीडियो में कंपेयर कर लेगा दोनों में 5 और 6 वाली में सेम कोड। अब बात आई मेरी राउटिंग की फाइल बन गई, उसके बाद मैंने क्या किया, डॉट जेएस के अंदर गया और यहाँ पे जो भी चीज लिखी थी सबसे पहले तो ठीक है, यानी कि कंपोनेंट हो गया खाली, और इसके अंदर मैंने क्या मार दिया राउटिंग को कॉल, और राउटिंग को इंपोर्ट कर लेना, मेक श्योर होना चाहिए। ओके मेरे को नहीं पता है कौन सा कंपोनेंट है, बट लोड यही था शायद, उसमें काउंटर कंपोनेंट बनाए थे लास्ट क्लास में। अबाउट में यही बनाया था शायद, उस टाइम पे क्लास कंपोनेंट ही था। हां देखो माउंट ट्रेंडर आ गया, अबाउट क्लास कंपोनेंट ही था। अभी थोड़ी देर पहले यूजर्स को बनाया था, तो वे चलनी चाहिए, चल गया। हाँ जी बहुत आई समझ, इतनी राउटिंग। अब बात आई यार, देखो कोई भी वेबसाइट हो, क्या यूआरएल के अंदर जाकर कुछ राउटिंग करो, किसी भी वेबसाइट में जैसे यहाँ पे तो जा, जैसे यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा राउटर पे जाएगा, एक मेन्यू बार तो होता ही है, तो मैं भी क्या करना पड़ेगा, मेन्यू बार भी बनाना पड़ेगा, मेन्यू बार बनाना पड़ेगा ठीक है। तो मेन्यू बार कहाँ पर बनाए, हमें ऐसी चीजें बनाना है जो हर जगह चलता हो, अगर ध्यान से देखोगे तो ये कंपोनेंट हर जगह चलता है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, अभी के लिए मैंने एंकर टाइप बना दिया ठीक है। राउटिंग नेविगेशन किस होती है, एंकर टाइप सी होती है, मुझे भी पता है। होम अबाउट एंड यूजर्स, और यहाँ पे होम के लिए क्या डाल दिया, स्लैश स्लैश अबाउट और स्लैश यूजर्स, ऐसे ही करते थे। सेव किया, चेक करते हैं, आ गया होम अबाउट यूजर्स, क्लिक करते हैं होम पे, चला गया मैं होम पे। अबाउट पे क्लिक करते हैं, अबाउट एज इट चेंज हो गया, अबाउट पे चला गया, यूजर्स पे क्लिक किया यूजर्स। लेकिन अगर यही चीज आप रिएक्ट ब्राउज़र पे देखोगे ऑफिशियली पे, रिएक्ट की साइट पे कहीं पर भी जाकर देखोगे, मतलब मैं थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, अब समझना दूसरा तरीका। अगर आप ये चीज आते हैं एंकर टैग के अंदर करोगे, दूसरी चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो दिखाता हूँ। जैसे मैंने डॉक्स पे क्लिक किया, आपको सिर्फ एक अपलोड होने देता हूँ, सिर्फ यहाँ पे इस पे नजर रखनी है, एक बार लोड होने के बाद क्या हो गया, चाहे कहीं पे भी क्लिक करूंगा देख लूंगा इसमें क्या होगा, बस इस पे नजर रखना। गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, क्या वो रिफ्रेश हुआ, नहीं चलो दोबारा देख लो, बस इस पे नजर रखो क्या क्रॉस आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आया। लेकिन ये चीज हमारे वाले देखते हैं,
थोड़ी देर पहले मैंने रिएक्ट ब्राउज़र डोम पे कहा था इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, जो वहां पे लिंक लिखा हुआ नीचे जाओ ये वाला, मैंने कहा था ये वाले दो यूज करते पहले। तो यहाँ पे क्या करो, लिंक को इंपोर्ट करो, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट। ऐसा कुछ मैंने क्या किया, इंपोर्ट किया लिंक को कहां से, रिएक्ट राउटर डॉम से। अब जहां जहां आपने एंटर टैग लिखा था वहां वहां क्या लिखोगे, लिंक टैग। और लिंक के अंदर एचरेफ नहीं होता, लिंक के अंदर होता टूल, बस दैट्स इट। फाइनली प्लेस कर देते इसको किस चीज के साथ, लिंक के साथ, और लिंक के अंदर होता टूल इतना है। दो जगह ज्यादा से ज्यादा उस चीज का यूज कर लेना, हो गया। और यहाँ पे एंटर टैग को क्लोज नहीं कर सकते आप, लिंक को क्लोज करना पड़ेगा वरना रिएक्ट एड ओवर हो जाएगा। अभी बस ये देखना आपको पेज रिफ्रेश हो रहा है, अबाउट पे हूँ, होम पे रिफ्रेश नहीं हो रहा। अगर आपको पेज रिफ्रेश नहीं करवाना तो लिंक का यूज करो, अगर पेज रिफ्रेश करवाना है तो एंड करो, वो आपको देखना क्या आपको चाहिए उस चीज में। ना मैं कुछ कह सकता, आपका क्या पता क्या सिनेरियो हो, मेरा क्या पता क्या समय, जो करना है आपको करना, जैसा करना आपको करना है। और यही आज के लिए अपनी राउटिंग थी, प्लस मैं क्या करूंगा डायनामिक राउटिंग, ठीक है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहां से एक बार गो थ्रू करना डॉक्यूमेंटेशन को, इनमें से कुछ चीज बढ़ने की जरूरत नहीं, देखो वो स्टेप सब बता रहा हूँ। देखो लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जो मेन्यू बार है, जो आपके मेन्यू है वो राउटिंग से ऊपर होंगे, तो वो ठीक है। मैं राउटिंग नहीं करता हूँ, मैक्सिमम कर देता है। तो ये दूसरा जैसे क्विक स्टार्ट पे जाकर और ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो। कल मैं करवाऊंगा डायनामिक राउटिंग ये वाली, ठीक है। खुद बोल रहे हैं देखो, यूज नेविगेट करके दिखा रहे, यानी कि एक हुक है। यूज का मतलब क्या होता है, हुक, आप चाहो ऐसे नेविगेट करें। अभी थोड़ी देर में डाल देंगे, ठीक है, बात कर लोगे।